तो विल स्टार्ट है। तो अपन क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग थ्री की बात करेंगे। बॉन्डिंग थ्री की बात करूंगा तो पहले ना मैं कुछ बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर बताता हूं आपको, है ना। अपन कैसे बॉन्डिंग बताएंगे, बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर वगैरह क्या होंगे वो देखते हैं अपन। केमिकल बॉन्डिंग थ्री मैंने आपको लिखा, तो केमिकल बॉन्डिंग थ्री में अपन बॉन्ड लेंथ के कुछ ऑर्डर लिखते हैं। अब बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में होगा क्या ना, ये मतलब एक तरीके से ये होगा कि भाई आपको पता होना चाहिए ये ऑर्डर्स, राइट। तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब मैं कुछ भी लिखता रहूंगा, ऐसा तो नहीं करने वाला। ऑब्वियसली बात है, अगर अपन बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर लिखेंगे तो वहां एक सीक्वेंस होगा जो अपन को, बॉन्ड लेंथ मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, एक सीक्वेंस होगा जिसको अपन थोड़ा सा चेक करेंगे। अब जैसे अगर मैं बात करूंगा बॉन्ड लेंथ के लिए, तो बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं अपन, तो बॉन्ड लेंथ तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स होता है, दैट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, है ना। न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स होता है, राइट। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स को अपन बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो जैसे अपन लिखेंगे, हमारे पास अभी पीरियडिक एग्जांपल लिखते हैं अपन, ये एग्जांपल लिख रहे हैं अपन, दैट इज ऑब्वियसली बात है, अपन जो एग्जांपल लिखेंगे वो पीरियडिक टेबल के हिसाब से ही लिखेंगे। तो अपन क्या करेंगे बॉन्ड लेंथ के लिए, जैसे एफ टू का बॉन्ड लेंथ तो एफ एफ बॉन्ड लेंथ छोटा होगा सी एल टू से, सी एल टू का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा बी आर टू से, बी आर टू का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा आई टू से, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में जब एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा। दूसरा अगर मैं लिखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, विल राइट दैट, जैसे एचएफ की बात करेंगे तो एचएफ का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा एचसीएल से, एचसीएल का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा एचबीआर से, एचबीआर का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा एचआई से, ठीक है। हाइड्रोजन का साइज तो सेम है, जैसे जैसे अदर एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। सी की बात कर लेते हैं, सी में अपन लिखेंगे जैसे सपोज करते हैं अपने पास एच एफ, तो एच एफ का बॉन्ड लेंथ से दैट छोटा होगा ओ एच से, एच ओ से, एच ओ का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा दैट इज विद एच राइट ना एन से, और एच एन का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा एच सी से। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, सी का साइज बड़ा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का साइज बड़ा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का साइज बड़ा है फ्लोरीन से, हाइड्रोजन तो सब में सेम था। अगर हम पीरियोडिक टेबल में LHS से RHS की तरफ आते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या, साइज क्या होता है एटम का, डिक्रीज होता है। तो सबसे छोटा साइज F था, इसलिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अपन ऐसे लिख सकते हैं। फिर अपन कहेंगे सपोज मैं लिखूंगा मेरे पास ऐसे की बात है, D की बात करते है ना, तो D में अपन कहेंगे देखो अगर मैं CC बॉन्ड लेंथ लिखता हूं तो किसी बात है बड़ा होगा NN बॉन्ड लेंथ से, सिंगल बॉन्ड से बड़ा होगा दैट इज विद ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, बड़ा होगा फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से। वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की बात कर रहे हो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की बात कर रहे हो। अगर आप सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हो तो अपन बॉन्ड लेंथ ऐसे बताएंगे भाई इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगा अपने लिए, जैसे अपन ई की बात करें तो देखो कार्बन कार्बन तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं लेकिन नाइट्रोजन के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आप इस बात का ध्यान देना कि कहीं उन्होंने ऑक्सीजन फ्लोरीन और ऐसे तो नहीं लिखा कि भाई बताओ फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा या ऑक्सीजन का। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे ये सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है। एक बात तो वो ध्यान रखना कि अगर वर्ड्स में लिखा हुआ ना फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ, तो ये अपन बिल्कुल नहीं समझ सकते कि आप मुझे क्या बता रहे हो। अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन लिखा हुआ है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये F2 होगा और ये O2, O2 में सिंगल बॉन्ड नहीं होता। अगर ऑक्सीजन लिखोगे तो O2 होगा और वहां डबल बॉन्ड होगा। तो अपन क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड लेंथ हमेशा बड़ा होगा डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड लेंथ हमेशा बड़ा होगा डबल बॉन्ड से। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ऐसे लिख लेता हूं कि भाई अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सिंगल बॉन्ड हमेशा बड़ा होगा डबल बॉन्ड से और डबल बॉन्ड बड़ा होगा ट्रिपल बॉन्ड से। ये बात अपन को हमेशा पता रहेगी, राइट ना। इस बात में अपन कभी गलती नहीं करेंगे।
एक तो ये बात हो गया, तुमको पता करके रखना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है कि भाई इनमें जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा ना, अगर अपन ऐसे लिखते हैं सपोज बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो एक बात तो अपन ये ध्यान रखेंगे कि भाई वो ना वर्ड्स में अगर लिखेंगे तो हमको पता है, अगर उन्होंने नाइट्रोजन लिखा तो इट इज N2, इट इज नॉट NaNH, इट इज N2, इट इज नॉट NaNH, ठीक है। फिर होता क्या है कि जैसे अपन ने एक तो नोट करके पॉइंट ये वाला लिख लिया, अपन ने ए पॉइंट देते हैं अपन से, ये वन लिख लेते हैं, ठीक है ना, अपन ये नोट करके ऐसे लिख लेते हैं। एक तो अपन ने ये लिखा नोट में कि भाई इस बात को हमेशा ध्यान रखो, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ा सा याद करने वाला होगा तो, लेकिन आप याद करने वाले पार्ट में आप गड़बड़ कभी नहीं करना कि भाई गड़बड़ कुछ हो जाए अपन से, वो नहीं करना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई, विल राइट दैट कि इसमें ना जैसे अपन ने लिखा तो सिंगल बॉन्ड। दूसरा अपन क्या करेंगे बॉन्ड लेंथ के लिए, जैसे अपन ने लिखा ना बॉन्ड लेंथ में, अपन ने लिखा दैट इज एफ आई टू ग्रेटर देन सी एल टू ग्रेटर देन बी आर टू ग्रेटर देन एफ टू। तो अपन कहेंगे ये तो आपने पहले ही बताया था, उसमें बताने की क्या जरूरत है, बॉन्ड लेंथ तो अपन को हमेशा ही पता रहता है कि जो बॉन्ड लेंथ होगा उस बॉन्ड लेंथ में अगर साइज छोटे हैं तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी छोटा होगा, वो तो अपन को पहले से पता है। और उसी के बेसिस पे तो आप यहां पर लिख रहे थे कि कार्बन कार्बन का साइज बड़ा होगा, दो कार्बन एटम का साइज बड़ा होगा कार्बन नाइट्रोजन के, दो नाइट्रोजन एटम से, इसलिए आपने साफ साफ यहां पर बताया था मुझे ये बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा इससे। लेकिन आप ध्यान रखना कि वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नहीं लिखा होना चाहिए, N2, अगर N2 लिखा होगा तो आप उससे सिंगल बॉन्ड अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर सिर्फ नाइट्रोजन वर्ड्स में लिखा है मतलब इट इज ट्रिपल बॉन्ड, तब तो हमारा ये वाला पॉइंट हमेशा ही वैलिड होगा, भाई सिंगल बॉन्ड तो हमेशा बड़ा होता है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से, वो अपन देखेंगे भी क्योंकि अपन बॉन्ड लेंथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे और अपन बॉन्ड लेंथ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो राइट, ठीक है, तो मुझे लग रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन अंकिता मैडम आएगी वो AC1 का अटेंडेंस लेने और सुषमा मैडम आएगी अपना AB1 का अटेंडेंस लेने, चलेगा। तो अंकिता सुले मैडम इज, जो तुम लोग भी ध्यान रखा करो, अगर कोई बच्चा आ रहा है ना जो अपनी क्लास में नहीं है तो आप तुरंत बता दिया करो कि ये बच्चा अपनी क्लास में नहीं है सर, आप एक बार देख लीजिए, अब लिखो, अब किसी को पता नहीं चलेगा आपने लिखा हुआ है, क्योंकि अब जो आता है वो सिर्फ मुझे ही दिखता है, तुम बोलोगे मुझे दिखेगा बाकी किसी को नहीं दिखेगा, इसलिए आप बता सकते हो कि ये अपने क्लास का बच्चा नहीं है। बट ये नहीं कि अपन वो ढूंढते ही रहेंगे, आप बस बता दो उसको अगर आपको दिखता है तो, ठीक है। बट अंकिता मैडम इज द काउंसलर फॉर चर्च गेट सेंटर एंड सुषमा और ज्योत्सना मैडम को तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। चलो अपन बात कर रहे थे कि भाई ठीक है, तो अपन को पता रहेगा कि भाई सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे थे आप, मतलब यहाँ पर जो आपने मुझे बताया है वो आप सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे थे, तो अभी आपने जैसे लिखा था वो आप सबसे छोटा साइज किसका होगा, फ्लोरीन का रिलेटिव टू दिस, तो ऑब्वियसली बात है ये बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा इससे, ये बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा इससे, ये बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा इससे। अब अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई मुझे पता चल गया कि मुझे बॉन्ड लेंथ कैसे लिखना है, और सिंगल बॉन्ड अपन को पता है कि हमेशा बड़ा होगा डबल बॉन्ड से, तो अब अपन कहेंगे ठीक है, वी गॉट दैट। जनरली अपन को क्या करना होता है, नॉन मेटल्स में ही हमको बॉन्ड लेंथ चेक करना होता है, तो बॉन्ड लेंथ में कभी कोई एक्सेप्शन नहीं होता, आप कभी कोई मतलब वो मत करो, दिमाग में मत लेके आओ कि कभी कुछ होगा उसमें, कभी नहीं होता, सीधा सीधा है बॉन्ड लेंथ में, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, राइट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब अपन बात करते हैं जैसे होता ना, इसमें अपन लिखते हैं भाई कुछ, अपन लिखते हैं ऐसे फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर्स, है ना, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि आपने ये तो बता ही दिया कि भाई बॉन्ड ऑर्डर के केस में जैसे अपन लिखेंगे, आपने मुझे ये तो बताया कि भाई सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज लार्जर देन डबल बॉन्ड इज ऑलवेज लार्जर देन ट्रिपल बॉन्ड, अब कुछ फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी बता दीजिए, ताकि अपन क्या करें कि अगर कोई फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है तो फिर हम उसमें कैसे आंसर देंगे, ठीक है भाई। तो अपन क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, कंटिन्यू रखते हैं एग्जांपल्स को, अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिलन है SO3 2 नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव, SO बॉन्ड लेंथ बताना है, ठीक है, तुमको क्या बताना है SO बॉन्ड लेंथ, तब आपको क्या करना पड़ेगा,
अगर कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें एनायन गिवन है, क्योंकि ये तो सारे आपने न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिखे थे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर कोई एनायन एनायन दो गया न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अलावा, तो पहले मैं उस एनायन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा और उसका स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही फिर प्रेडिक्ट करूंगा। कैसे? मैं पहले बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूंगा और मुझे क्या पता रहेगा, मुझे पता रहेगा, ठीक है, मैं यहां पर कुछ पार्ट छोड़ रहा हूं, मुझे जो बताना है वो मैं बताऊंगा और मैं यहां पर लिख रहा हूं। अपन को पता है कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है, साफ साफ मतलब अपन को वर्ड्स में पता होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, ये होता है अपने लिए बॉन्ड ऑर्डर का मतलब। ठीक है भाई, तो आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स लिखते हो तो अपन बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अपन को पता है भाई, अपन ने कैलकुलेट किया है बॉन्ड ऑर्डर कैसे, तो अपन कहते हैं नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डीरेपलाइजेशन, है ना, नंबर ऑफ प्लेसेस, ये अपन कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। देखो बॉन्ड ऑर्डर के एक से ज्यादा फॉर्मूले हो सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा और भी डिफरेंट तरीके हैं मेरे कैलकुलेट करने के, मैं जरूरी नहीं, मैं तो आपको वो बताता हूं कि भाई मेरे पास दो चॉइस होते हैं, एक होता है कि आप इजिएस्ट बताओ और एक होता है कि आप जो शीट में लिखा हुआ है वो बताओ, तो मैं दोनों में कभी कभी मुझे फंस जाता हूं कि बच्चों को इजिएस्ट बताऊं या जो शीट में लिखा हुआ है वो बताओ, क्योंकि इजिएस्ट बताओगे तो और शीट में नहीं है तो बच्चे को लगेगा अरे यार ये तो कुछ गड़बड़ है, इधर कुछ और लिखा हुआ है सर कुछ और बताते हैं। तो मेरे पास कभी कभी क्या होता है, किसी को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो फिर उस टाइम में फंस जाता हूं, तो फिर क्या करेंगे, आप जो इजिएस्ट है वो बताओ, हम शीट में समझ लेंगे, हमारा कोई अगर आंसर नहीं आएगा आपके कंसेप्ट से तो फिर आपको बता देंगे कि आपके कंसेप्ट से आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है ना, आंसर अपने आएंगे, अगर फॉर्मूला अलग है कि रहने दो, सर ने आपको इजिएस्ट बताया होगा, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल एटम वेयर डीलोकलाइजेशन टेक प्लेस, डीलोकलाइजेशन टेक प्लेस, है ना, टेक प्लेस, अपन ने ये लिखा था और डिवाइड किया था नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन। तो चलो भाई ठीक है, आप इसका मतलब बता दो, आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, लेकिन हमें आप ये बताओ कि इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पता अपन क्या करेंगे, अपन ना स्ट्रक्चर बना देंगे, तो दोनों के स्ट्रक्चर बनाने पर उनको आते हैं, सबको स्ट्रक्चर बनाना आता है, कैसे, ऑक्साइड्स हैं, एनायंस हैं, जितने ऑक्सीजन जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे और क्या होगा, अपन कहेंगे डबल बॉन्ड, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया SO3 का, और SO4 का स्ट्रक्चर कैसे हो गया, तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, तो क्या मैं इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता, आपने सभी डबल बॉन्ड बना दिए, इसका तो ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है, तो अपन कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपन तब बनाते हैं जब आप उससे कहते हैं कि लुईस स्ट्रक्चर बताओ, वरना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताने की जरूरत नहीं है, अगर लुईस स्ट्रक्चर नहीं बताना है तो कभी भी हम ऑक्टेट एक्सपेंशन या कंप्रेशन का कोई टेंशन नहीं होगा, हमें हमेशा हम बस ये कहेंगे सेंट्रल एटम के लोड कर लिखो, जिसको जितने एटम चाहिए दे दो स्ट्रक्चर, तो अपन क्या कहेंगे, इधर अपन लिखेंगे दैट इज इधर कितने बॉन्ड्स हो गए, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेता हूं, तो अब अपन क्या करेंगे ना, इनके ब्रैकेट में यहां पर बॉन्ड ऑर्डर लिख देंगे अपन, तो पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अपने पास कितना आया, तो आपने लिखा नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल एटम, और देखो होगा क्या ना, आपने एक बात बताया था मुझे कि दो एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे उनसे जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन में जाएगा, वो आपने कंडीशन मुझे बताई थी, और उस कंडीशन में अपन क्या बोल सकते हैं, अगर वो डीलोकलाइजेशन में जाएगा तो पता अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये डीलोकलाइजेशन में जाएगा तो इधर भी बना सकते हैं अपन बॉन्ड, तो अपन को तो बस ये आता है कि भाई नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम इज 4 और नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन, ये दो नेगेटिव चार्ज हैं, आप तीन जगह डीलोकलाइज कर सकते हो, कभी इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पे डबल बॉन्ड होगा, इस पे डबल बॉन्ड होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, अभी इस पर डबल बॉन्ड है तो इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज, तो तीन जगह डीलोकलाइज हो रहा है, तो अपन ने कहा नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन हो गया, तो अपन क्या करेंगे, कितने जगह डीलोकलाइजेशन है, 3 टाइम, तो अपन 4/3 को लिख लेंगे, 4/3 को लिखेंगे तो अपन ब्रैकेट में ना छोटा सा ऐसे लिखेंगे, देखो भाई इधर ना मेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1.4
अब कितना हो जाएगा, बस 3-3 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर अपन कैलकुलेट करेंगे इसका, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड, दिस इज 6, और ये सारा का सारा वैसे ही सिस्टम है। इधर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब ये इधर भी डिलोक्लाइज होगा, इधर भी डिलोक्लाइज होगा, वैसे ये इधर भी डिलोक्लाइज होगा, इधर भी होगा। तो ठीक है, अपन क्या करें, 6 बॉन्ड है और नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डिलोक्लाइजेशन कितने हो गए, 4, कितना आ गया 3/2, 1.5। अपन ने क्या किया, इधर 1.5। आप मुझे क्या बोलते हो, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो ये तो दोनों ही फ्रैक्शनल आ रहे हैं, तो हाँ फ्रैक्शनल बॉन्ड में भी अपन क्या करेंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आ रहा है उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर, वन सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएगा। भाई एक होता है कि भाई मैं ना बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, कि मेरे पास है कि बॉन्ड ऐसे डबल बॉन्ड हो गया, और एक बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड में ना पार्शियल बॉन्ड बना दो, तो पार्शियल बॉन्ड में कितना बनाऊ, भाई अगर सिंगल बॉन्ड होगा होता तो मैं कहता 1, और ये होता तो कहता 2, तो अब पार्शियल बॉन्ड में कितना पार्शियल बॉन्ड बनाऊ, 1.05, ये 1.1, ये 1.15, ये 1.35, ये 1.25, मतलब कितना बना, ये 1.95। तो अपन कहेंगे वो जो 1 और 2 के बीच में जो वैल्यू आएगी ना, वो जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में, जितना ज्यादा 1 के पास होगा तो अपन कहेंगे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, राइट। जितना ज्यादा अपन क्या करेंगे, ये 1 है तो अपन कहेंगे कि भाई इसमें 1 है अपने पास तो, और ये 2 है, तो अपन कहेंगे अगर 1.5 से छोटा है तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, 1.5 से ज्यादा है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा बिहेव करेगा, अपन ऐसे बताएंगे बस। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर इसमें तो मैं कहूंगा ये 1.5 है तो इसका मतलब है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में आ रहा है, और ये सिंगल बॉन्ड जैसे ज्यादा बिहेव कर रहा होगा इसका पार्शियल बॉन्ड। तो अपन कहेंगे ठीक है, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ मतलब जो है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आया तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ बॉन्ड अगर ज्यादा होते हैं बिटवीन द एटम्स तो बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। तो अपन ने बता दिया कि अगर आप इन दोनों में पूछोगे तो किसका, आपने कहा बॉन्ड ऑर्डर और आप डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहे थे यहां पर, तो इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है इससे, तो अपन ऐसे बता दें इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा इससे, दैट इज अवर आंसर। किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को डाउट नहीं, एवरीबॉडी गॉट इट। आप एक बार ये चेक कर लो कि जो स्टूडेंट अपने क्लास में है वही स्टूडेंट है अपने साथ या कोई और भी है, मुझे लग रहा है कुछ और भी है, आप एक बार चेक कर लो, मैं आपको फिर से मतलब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि किसी का क्वेश्चन आया है। हाँ कॉपी कर लो, अगर आपको कॉपी करना है तो आप कर सकते हैं, वैसे मैंने आपको भेजा हुआ है ना, आप कॉपी कर सकते हैं बिल्कुल। कॉपी करने में यह है कि बड़ा शॉर्ट में अपन को सारी चीजें पता होंगी, तो आप कॉपी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे तो, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जल्दी से, है ना? सर आपके साथ ही लिख रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लिख करो। फ्रैक्शन बॉन्ड ऑर्डर वाला फिर से समझ सकते हैं क्या, कौन सा फ्रैक्शन वाला फिर से समझा सकते हैं क्या? हाँ समझाएंगे ना, क्यों नहीं, वो लिखेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि कोई अपने बैच में कोई बच्चा जो है पश्चिमी है, पश्चिमी कोई है क्या, पद्मश्री तो है वो तो नहीं है, अपने बैच में कोई पश्चिमी नहीं है, और एक बार आप चेक कर लो सब लोग, सारे स्टूडेंट है ना जो अपन जानते हैं एक दूसरे को, हाँ वो चला गया, I have seen that, इसलिए मैंने आपसे कहा। अब अपन उसको, अब जो भी आएगा वो बोल देगा कि भाई अगर वेटिंग रूम में कोई होगा ना तो मैं उसे ले लूंगा जो जिसको मैं जानता हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपन, है तो मैं एक बार फिर से तुमको, हाँ अभी चला गया, भाग गया वो, समझ गया ना, वो किसी ने अपने दोस्त को बुला लिया होगा कि चल भाई तू भी पढ़ और मैं भी पढ़ू। अब मैं एक बार अटेंडेंस जैसे देख लेता, स्वास्तिक अपने क्लास में है ना, स्वास्तिक है ना अपने क्लास में, यस सर, हाँ सर, आ गया,
यार किस दिन ना मैं तुम लोग के नाम लेके और सुबह 4 बजे उठ के ना याद करूंगा कि ये इस बच्चे हैं मेरी क्लास में, है ना। एक तो मैं सोचता हूँ कि किसी दिन ना 1-to-1 इंटरेक्शन कर ही लेना चाहिए। चलो अच्छा शुरू करते हैं, है? अगर कोई बच्चा होता है तो आप मुझे बता देना। वैसे कोई बच्चा और आया है अभी तो देख लो, अगर कोई ऐसा है जो दो होंगे तो भी तुम मुझे बता देना। एक आर्यन है, आर्यन अपने यहाँ दो हैं, एक आर्यन देशमुख है और एक आर्यन काका, ठीक है। दीपिका ओके ओके स्वास्थ्य कोई बात नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है अपन शुरू करते हैं, राइट ना। अगर कोई आता है तो तुम लोग मुझे बता देना, अपन उसको हटा सकते हैं। ओके अपन देखते हैं। अब ना मैं एक बार फिर से ना फ्रैक्शन वाला पूछ रहा था कोई, तो अपन फ्रैक्शन वाले को बताते हैं। और फ्रैक्शन वाले में अपन क्या करेंगे, जैसे ये फ्रैक्शन वाला आएगा ना तो देखो ऐसे हो गया ना फ्रैक्शन वाला। अब मैं ये हटा देता हूँ, ये तो अपने पास पहले से है, ये आप काफी बार बताते रहे। अब होता क्या ना, देख अगर मान ले कोई सिंगल बॉन्ड है दो एटम के बीच में, तो ऑब्वियसली बात है वो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा एज कम्पेयर टू जब दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अब अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखूं तो अपन कहेंगे अच्छा इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसमें तो पूरा डबल बॉन्ड है, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो बिटवीन 1-to-2 होगा। अब बिटवीन 1-to-2 का मतलब कितना, 1 के ज्यादा पास है या 2 के पास ज्यादा है। अगर 1 के पास ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा आया, मतलब वो सिंगल बॉन्ड जैसे अचीव कर सकते हैं अपन। लेकिन अगर 2 के पास होगा, जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 1.8, तो अपन कहेंगे वो 2 के आसपास है, लेकिन 2 से बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो अपन कहेंगे देखो सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा इससे, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा इससे। अगर ये छोटा बॉन्ड है इससे, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना शुरू हो गया, तो ये बॉन्ड लेंथ छोटा होना चाहिए इससे, क्योंकि वो डबल बॉन्ड बनना शुरू हो गया। इट इज अ पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रहा है, लेकिन पार्शियल हो रहा है, तो वो रेजोनेंस फिनोमेना जिसमें लिखते हैं अपन, वैसे हो, राइट। अब अपन क्या करेंगे, तो ये बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन आ गया। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, उसको लिखा रख देता हूं इस वाले को। मेरे पास एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें मैं लिखने वाला हूं, दैट इज SO3 2 नेगेटिव, और मेरे पास एक है HSO3। अब एक बार देखो आप, ठीक है, HSO3 का मतलब हो गया इसमें कि भाई इसमें तो एक ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसमें एक ही ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड अटैच होगा, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। फिर अपने पास अपन कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें एक ओ नेगेटिव बना दिया अपन ने, एक ही बनेगा ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक ही नेगेटिव चार्ज था। इसमें एक क्या हो जाएगा, एक OH हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई SO3 2 नेगेटिव जो लिखा था उसमें एक प्रोटॉन डाल दो, तो इससे प्रोटॉन अटैच कर दिया आपने उसके स्ट्रक्चर के लिए, और ये डबल बॉन्ड हो गया। अब क्या हुआ, आप कहते हो कि भाई कॉन्जुगेशन वहां होता है जहां पर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो और जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड हो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये नेगेटिव चार्ज हो, तो अपन कहेंगे फिर तो यहां पर बना वो सिस्टम, बस वो सिस्टम नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड वाला सिस्टम तो यहां बना, बस यहां तो नहीं बन पाएगा वो सिस्टम, नेगेटिव चार्ज नहीं है ना इधर, आपने साफ साफ लिखा था नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल एटम वेयर डीलोकलाइजेशन कैन टेक प्लेस, मतलब जहां पर बॉन्ड मैं डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को ऐसे बना सकता हूं वो प्लेसेस, तो यहां तो नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो मैं यहां पर कैसे डीलोकलाइज करूंगा, इसका डीलोकलाइजेशन तो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो आपने लिखा था साफ साफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल एटम वेयर डीलोकलाइजेशन कैन टेक प्लेस, तो इस वाले बॉन्ड में कभी डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या लिखना पड़ेगा अपन को, भाई नेगेटिव चार्ज तो इन दोनों पोजीशन पे ही डीलोकलाइज हो पाएगा, बस। कितने बॉन्ड है फिर वहां पर डीलोकलाइजेशन वाले, तो फिर कहेंगे एक ये वाला बॉन्ड हो गया और दो ये वाले बॉन्ड हो गए, तो कितने बॉन्ड हो गए अपने पास, 3 हो गए, इधर तो कभी हो गए नहीं, तो इसका मतलब है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, तो अपन लिखेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3 बॉन्ड है
और दो जगह डिलोकलाइजेशन होगा, या तो उधर रहेगा या फिर इधर रहेगा, इधर कभी डिलोकलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि विरुद्ध चार्ज नहीं है। तो क्या बोलेंगे अपन, इसके लिए 1.5 आ रहा है, इसके लिए तो अपने कैलकुलेट कर रखा है, ये लो भाई आ गया हमारे पास। तो अपन कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, मान लिया आपने जो कहा उसमें मैंने मान लिया कि भाई ऐसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है। तो अच्छा अपन कहेंगे फिर आप इसमें बताओ, दूसरा अपन ले लेते हैं, मतलब इस टाइप के भी अपन काफी एग्जांपल कर लेंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा ऐसे करना होता है। ठीक है, तो मान लो जी लिख लेते हैं अपन, मेरे पास ऐसे गिवन है, तो मुझे कहोगे कि भाई मेरे पास ना चलो ऐसे गिवन है, आप कैलकुलेट करके बताओ कि इन दोनों में कितना मतलब बॉन्ड ऑर्डर होगा और कैसे, मतलब अपन बॉन्ड लेंथ चेक करेंगे। मैं यहाँ पर ऑर्डर लिख रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस में बता रहे हैं अपन। अच्छा अपन को बॉन्ड लेंथ बताना था, उसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, उसका बॉन्ड लेंथ इसलिए बड़ा होगा 1.33 है, 1.5 है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका बड़ा था, बॉन्ड लेंथ उसका बड़ा होगा। तो ये सारे के सारे अपन बॉन्ड ऑर्डर, फ्रैक्शन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ है, तो यहाँ भी अपना बॉन्ड लेंथ ही चल रहा है, यह सब ये अपन ने बॉन्ड लेंथ लिखे हुए थे ऑर्डर्स, तो वो भी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा। अब मेरे पास एक ये है और एक मेरे पास सपोज कर लेते हैं कि अपने पास एक ये गिवन है और एक ये गिवन है, और इन दोनों में अपन को बताना है कि बताओ किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, तो किसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा वो बताना है अपन को। तो अपन कहेंगे भाई दोनों के स्ट्रक्चर, अब इसका स्ट्रक्चर तो दिख ही रहा है, इसके स्ट्रक्चर में तो अपन को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उसका स्ट्रक्चर तो दिख ही रहा है, तो उस स्ट्रक्चर में अपन क्या कहेंगे उसके स्ट्रक्चर में, राइट। तो अब अपन कहेंगे इसमें तो अपन को दिख ही रहा है भाई, यहां तो कभी डिलोकलाइजेशन नहीं हो सकता ना, यहां पर वो बन रहा है दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड, और इससे जो एटम अटैच है उसके पास नेगेटिव चार्ज, तो अगेन आई विल राइट एक दो तीन एटम और डिवाइड बाय दो जगह डिलोकलाइजेशन, क्या लिखोगे 3/2, तो मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखूंगा 3/2, दैट इज 1.5। किसी को डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कार्बोनेट, कार्बोनेट लिख लो अपने आप, अपन को पता तो है, ड्रॉ तो किया अपन ने कितने बार किया, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ऐसे, कितने कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड्स हैं, चार, कितने जगह डिलोकलाइजेशन हो रहे हैं। हाँ, तो अपन कहेंगे देखो इधर भी वो सिस्टम बन रहा है, इधर भी वो सिस्टम बन रहा है, इसका मतलब है मैं दोनों जगह डिलोकलाइजेशन कर सकता हूँ, मतलब तीन प्लेसेस पर डिलोकलाइजेशन है। तो अपन कहेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर हो रहा है चार बॉन्ड थे अराउंड सेंट्रल एटम, और डिलोकलाइजेशन तीन प्लेस पे हो रहा है, मतलब 1.33, ठीक है भाई, तो इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा उससे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर उसका कम है इससे, तो उसमें बॉन्ड लेंथ छोटा, इसमें बॉन्ड लेंथ बड़ा। चलो अब एक एग्जांपल आप अपने आप करोगे, मैं थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूं आपको, और आप खुद मुझे कैलकुलेट करके बताओ। मेरे पास ClO4 नेगेटिव है, ClO3 नेगेटिव, ठीक है, और ClO2 नेगेटिव है। चलो भाई बताओ इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, एक और लिख देता हूं, ClO नेगेटिव भी होगा, चलो बताओ इसमें क्या लिखें अपन, स्ट्रक्चर में बताऊं आपको, आप कैलकुलेट करना कि वैसे स्ट्रक्चर आपको पता है, एक नेगेटिव चार्ज है मतलब एक ही ऑक्सीजन ऐसा होगा जो सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, तो स्ट्रक्चर तो आपको पता है, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो,
मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर आपने बना लिया ना तो बाकी स्ट्रक्चर अपने आप बनते हैं। ये स्ट्रक्चर बन गया, ये तो इसका स्ट्रक्चर एक ऑप्शन कम कर दो, 5/3 लिख दिया मैंने, तो फिर इसका स्ट्रक्चर एक और ऑप्शन कम कर दो, तो 3/2 लिख दिया मैंने, और इसका स्ट्रक्चर इसको भी कम कर दो। ये भाई जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ऑप्शन तो सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा ना, तो इसमें तो बन आ गया बॉन्ड ऑर्डर। चलो देखते हैं क्या करना है अपन को। तो अपन कहेंगे सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। व्हाई इट इज सो, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर छोटा होगा, सिंगल बॉन्ड लार्जेस्ट होता है। ठीक है भाई, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है इससे, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है इससे, वेरिएबल टू राइट दैट। बिल्कुल सही, एवरीबॉडी गॉट इट, सबको आना चाहिए अब तो। किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आया बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है तुमको। यस सर, HSO3 माइनस का स्ट्रक्चर बताओगे? फिर से बता दूं, HSO3 माइनस? हाँ सर, उसका स्ट्रक्चर नहीं समझा। रुक जा, देख ले। H2SO3 जो होता है ना, वो सल्फ्यूरस एसिड है, अपन को पता है। सल्फ्यूरस एसिड में क्या होगा, अपन ना एसिड के स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, प्रोटॉन को निकाल दो और उसका एनाइन लिख लो, लिख लिया। अब अपन कहते हैं कि भाई जितने एनाइन उसमें, जितने उसमें नेगेटिव चार्ज है उतना ही ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। अब ये डबल बॉन्ड हो गया, एक लोन पेयर बच गया। अब अपन क्या करेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर SO3 का, SO32 नेगेटिव का। अब अपन कहेंगे नहीं नहीं मैं एक ही प्रोटोन निकालना चाहता हूं, तो एक प्रोटोन निकालोगे तो HSO3 रहेगा फिर। तो अपन क्या करेंगे भाई, H2SO3 का स्ट्रक्चर, जैसे अपन ने दो प्रोटोन निकाले थे और आपने 2 नेगेटिव चार्ज लिखा था, तो ये स्ट्रक्चर आया था। मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूं है? तो अपन ने क्या कहा, अच्छा इसमें से एक ही प्रोटॉन निकालना है, तो एक प्रोटॉन इधर अटैच होगा जो रिप्लेसेबल, क्योंकि हाइड्रोजन तो वही देगा ना ये कंपाउंड जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है, तो ऑक्सीजन से अटैच होगा इसका। समझ में आया? तो अपन ऐसे बता सकते हैं। तो अब ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो अपन कहेंगे देखो इस पे ऑक्सीजन पे नो डाउट लोन पेयर है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज का इस टाइप का सिस्टम चाहिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने। तब अपन बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। किसी को डाउट है? समझ में आया? एक बार और बताना है तो बोलो। समझा से? समझ गया। ठीक है भाई, तो अपन को ना बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना आ गया। अब अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर में अपन ने, अब सबको कैलकुलेट करना आ गया, तो फिर अब लास्ट वाला एक बार कैलकुलेट करके बताओगे? अब इससे आगे फिर मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा। अच्छा बताओ, मेरे पास ऐसे गिवन है और मेरे पास ऐसे गिवन है, दोनों में से आपको बॉन्ड लेंथ बताना है, बॉन्ड ऑर्डर अपने आप कैलकुलेट करो। मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सबको समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है अपन को?
ठीक है ना, एनओ थ्री है ना, एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज इधर ऐसे है ना अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन ऐसे बनाऊंगा और एक कोऑर्डिनेट बनाऊंगा, तो इसको डबल बॉन्ड बना दो ना, आपने कहा तो था कि डबल बॉन्ड बना दो, तो अपन ने कहा था नाइट्रोजन कभी पांच बॉन्ड नहीं बनाता, चार ही ऑर्बिटल है ना, तो नाइट्रोजन में अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। अपन PCl5 तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अपन कभी MCl5 नहीं पढ़ सकते, व्हाट इज सो, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वेट, तो अपन कहेंगे भाई नाइट्रोजन पांच बॉन्ड कैसे बना सकता है, ऑर्बिटल तो उसके पास चार ही है, एक एस है और तीन पी है, तो चार ऑर्बिटल ना डी ऑर्बिटल होते ही नहीं उसमें, तो पांच बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई अगर पांच बॉन्ड नहीं बना सकता, पांच इलेक्ट्रॉन तो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ तो पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उन पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आप एक को अनपेयर्ड नहीं बना पाओगे ना, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 और p3 ऐसे होता है ना, तो ऐसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो अब एक बात बताओ, इन पी ऑर्बिटल में इसके बाद इसको अनपेयर्ड नहीं बना पाऊंगा ना मैं, ये तो हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे रहेगा ना, अनपेयर्ड बनाने के लिए मुझे वहां डी ऑर्बिटल चाहिए था, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को वहां ले जाता, अब डी ऑर्बिटल होते ही उसमें, तो अनपेयर्ड उसमें कभी बन ही नहीं सकता, मतलब वो तो फिर अनपेयर्ड नहीं बन सकता, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड यहां, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहां, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहां, तीन कोवेलेंट बॉन्ड तो बना सकता हूं ना, हाँ ठीक है, आप तीन कोवेलेंट बॉन्ड बनाओ और इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, इसलिए नाइट्रोजन हमेशा क्या करेगा, तीन तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड बना सकता है, एक दो तीन मैंने शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया, और एक कौन सा बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो मैंने बना दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज ऑफ द स्ट्रक्चर, तो कितने बॉन्ड हो गए नाइट्रोजन के अराउंड, चार, तो नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन आपने थ्री क्यों लिखा, दो लिखो, ये तो ऐसे है, तो फिर आपने थ्री कैसे लिखा, तो अपन कहेंगे थ्री इसलिए लिखा क्योंकि जब कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो उसमें फॉर्मल चार्जेस आते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा जब भी अपन पढ़ेंगे ना, अगर डीलोकलाइजेशन की बात होगी तो हमेशा अपन क्या लिखेंगे, उसके लिए फॉर्मल चार्जेस लिखेंगे, तो अब कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है लिखे अपन ने, और प्लेसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन इधर भी कर सकता हूं और इधर भी कर सकता हूं, तो ये इधर भी हो सकता है और ये भी इधर हो सकता है, मतलब तीनों जगह हो सकता है, तीनों में से किसी जगह दो नेगेटिव चार्ज होंगे, एक डबल बॉन्ड, क्या करें अपन 4/3 लिखो, 4 बॉन्ड थे, तीन जगह डीलोकलाइजेशन, ये बॉन्ड रखो, समझ में आ गया बॉन्ड रखो क्या करना है, ठीक है। अब अपन कभी मतलब थोड़ा सा ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एकदम से बिल्कुल ही वैसे अगर कहूंगा ना चलो इसको भी याद कर लो, इसको भी याद कर लो, तो फिर आपको लगेगा सब याद ही करना है क्या इस चैप्टर में, तो कंसेप्ट भी थोड़े थोड़े वैसे उसमें अपन, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कंसेप्टली उसको सॉल्व करना है, चलो देखते हैं दूसरा। अब ना जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड होता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा ना उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, व्हाट इज सो, अपन कहते हैं देखो इधर बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इधर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इधर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होने का मतलब है दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड्स, तो ऑब्वियस ही बात है तीन बॉन्ड को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होगा, और ट्रिपल बॉन्ड में तो मैंने आपको बता भी रखा है एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं, और दोनों पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो पी ऑर्बिटल से बनते हैं, और दोनों पाई बॉन्ड जो पी ऑर्बिटल से बनेंगे वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो तीन बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है दो बॉन्ड के कंपैरिजन में, और दो को ब्रेक करना मुश्किल है एक के कंपैरिजन में, एक बॉन्ड होगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, दो मार्कर होंगे तो ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा तो इसको जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा बॉन्ड, उतना मुश्किल होगा बॉन्ड को ब्रेक करना, तो उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो अपन को बताना पड़ेगा इसे, तो अपन कहेंगे चलो भाई मान लिया मैंने कि ट्रिपल बॉन्ड में एनर्जी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा चाहिए अगर ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो समझ में आया, ओके कोई बात नहीं। अब अपन क्या करेंगे,
देखो एक्सप्लेनेशन के तो बहुत सारे रीजन है, मैं आपको बताऊं बिकॉज, लेकिन क्या होता है ना, अगर सारी चीजें अपन समझेंगे ना तो मुझे ना बहुत टाइम लगेगा पढ़ाने में, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट थी भाई, आपको समझ में आया, लेकिन जब नहीं आता है तो मुझे फिर बताना ही होता है। चलो अपन देखते हैं, अपन क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो आपने ये तो मुझे बता दिया कि भाई बॉन्ड एनर्जी मतलब ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी सिंगल बॉन्ड से। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी इससे? भाई ये तो प्योर ट्रिपल बॉन्ड है और ये पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 2.5 जैसे बॉन्ड ऑर्डर। ऑब्वियस सी बात है, अगर तीन प्योर बॉन्ड होंगे तो उनका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा ही होगा, अगर तीन से कम है तो, और दो से ज्यादा है भाई, इन बिटवीन भी अगर रहेगा, मान लो मैंने यहां पर एक ऐसे मार्कर ले लिया, ये सिंगल बॉन्ड है प्योर, अगर दूसरा मार्कर भी अपन ने ज्वाइन किया तो अपन कहेंगे ये हो गया डबल बॉन्ड प्योर। अगर मैंने मार्कर की जगह सपोज आपको ऐसे बता कि मैंने ना उस मार्कर की जगह इस पेंसिल को ले लिया, तो ये पार्शियल बॉन्ड जैसे मान लेते हैं जो वीक है मार्कर के कंपैरिजन में, तो अपन ये कहेंगे अच्छा दो मार्कर को ब्रेक करना मुश्किल है लेकिन एक मार्कर और एक पेंसिल को ब्रेक करना ईजी है, तो अपन इसे क्या मान लेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ऐसे ही अपन बोल रहे हैं कि भाई अगर तीन मार्कर होते और ये एक तरीके से 2.5 मार्कर जैसे हो गया, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम है 2 से बड़ा है, तो तीन मार्कर को ब्रेक करना अगर मुश्किल है तो दो मार्कर और एक पेंसिल को ब्रेक करना थोड़ा इजी होगा एज कंपेयर टू तीन मार्कर, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया। तो अपन कहेंगे ठीक है फिर तो मैं ऐसे भी लिखूंगा, डबल बॉन्ड के बिल्कुल भी लिखूंगा। इसमें अपन कहेंगे ये 3 है, ये बिटवीन 3 और 2 है, ये 2 है, ये बिटवीन 1 और 2, ये बॉन्ड एनर्जी लिखा मैंने, ये बिटवीन 1 और 2 है और ये 1। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मुझे इसमें एनो बॉन्ड को ब्रेक करना है और इसमें एनो बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इसमें इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्यों, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है इससे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है तो बॉन्ड एनर्जी कम यूज होता है। ठीक, चेक कर लेंगे। तो ठीक है, अपन ने एक बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी के बारे में लिखा कि भाई बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो बॉन्ड ऑर्डर पर डिपेंड करेगी। अब अपन कहेंगे ठीक है मान लेते हैं अपन एग्जाम्पल, ऐसे आप कुछ एग्जाम्पल लिख दो, अब मुझे आपको अगर ऐसे बताना है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे बताओ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बड़ा होगा O2 डबल बॉन्ड से बड़ा होगा, दैट इज F सिंगल बॉन्ड से। अब इसमें तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, हमें क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा एटम दे रखा है आपने, ट्रिपल बॉन्ड तो हमेशा ही स्ट्रांग होगा, तीन बॉन्ड ब्रेक करना हमेशा ही मुश्किल होगा। हाँ लेकिन अगर आप सिंगल बॉन्ड दोगे तो फिर क्या करें, मान लो मैंने आपसे कहा अब अपन बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं राइट, हेलो 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 आधार कार्ड की फोटोकॉपी
हाँ जी, रिकॉर्डिंग को पॉज कर दिया करो, अगर मेरा कोई कॉल आए ना तो आप रिकॉर्डिंग को पॉज कर लिया करो, फालतू में अपना रिकॉर्डिंग होता रहेगा ना। तो अपन क्या करेंगे, मैं बात कर रहा था कि अगर अपने पास बॉन्ड ऑर्डर सपोज करते हैं, अगर बॉन्ड ऑर्डर छोटा है तो नंबर ऑफ बॉन्ड विदिन द एटम भी तो कम होंगे, तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, और बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा, राइट। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मुझे पता चल गया, आपने इतने सारे बॉन्ड ऑर्डर वाले पार्ट बताए, मुझे सारे पता चल गया, राइट। अब क्या होगा, जैसे अपन बी की बात करते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे अपन ने लिखा कि भाई बॉन्ड लेंथ ऑफ F2 is less than Cl2 is less than Br2 is less than I2, ये बॉन्ड लेंथ, अब बॉन्ड एनर्जी लिखता हूं, इसमें ना मैंने बॉन्ड एनर्जी लिखा, तो मैं क्या लिखूंगा, बॉन्ड एनर्जी जो होगा ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ I2, ये स्टेप हो जाएगा। तो अपन कहेंगे भाई, अभी तो आप बोल रहे हो कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, फिर आपने लिखा बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम चाहिए, ब्रेक इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, आप कह रहे हैं Cl2 की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, और वो भी उसको सबसे छोटा है, फिर भी आप बता रहे हैं कि Br2 से भी उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, तो बॉन्ड लेंथ में कभी कोई एक्सेप्शन नहीं आते, बॉन्ड एनर्जी में एक्सेप्शन आते हैं, बॉन्ड एनर्जी के एक्सेप्शन अपन को पता होना चाहिए, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था सबको कि देखो भाई Cl और Cl का बॉन्ड लेंथ और F का बॉन्ड लेंथ, Cl और Cl में क्या हो रहा था, ये जो तीन लोन पेयर्स थे ना और इसके जो तीन लोन पेयर्स हैं, इसके पास भी उतने ही लोन पेयर्स हैं जितने इसमें Cl Cl के पास, इसके भी बॉन्ड लेंथ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही, इसका बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से ये लोन पेयर पास पास आए, अगर इन लोन पेयर्स में डिस्टेंस कम होगा, लेस डिस्टेंस बिटवीन लोन पेयर्स, अगर लोन पेयर्स में डिस्टेंस कम होगा बिटवीन लोन पेयर, तो ऑब्वियसली बात है अगर दो लोन पेयर पास होंगे तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो लोन पेयर पहले से दूर है तो उनमें रिपल्शन होगा। इसमें जो बॉन्ड बना ना ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, इसका थर्ड शेल का पी ऑर्बिटल इसके थर्ड शेल का पी ऑर्बिटल था जो ओवरलैप कर रहा था, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3p5 आता है, जबकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2p5 आता है। अगर 2p5 आता है तो ऑब्वियसली बात है 2p और 2p का ओवरलैपिंग होगा तो ज्यादा पास आएंगे, ये दोनों ज्यादा पास होंगे क्योंकि इसका सेकंड शेल और इसका भी सेकंड शेल ने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया ना, और साइज इसका छोटा होगा तो पास पास होंगे। तो अगर दोनों के इंटरन्यूक्लियर पास पास हैं और लोन पेयर उतने ही हैं, भाई फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़े चेंज हो जाएंगे, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन और इसके फ्री इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बहुत डिफरेंस होगा, इसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा है पास होने की वजह से, लेस डिस्टेंस बिटवीन द लोन पेयर, so the repulsion between the lone pair is very high, repulsion से energy हमेशा बढ़ती है, अपने लिखा हुआ potential energy for repulsion is always positive and for attraction it is always negative,
रिपल्शन से क्या होगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी। अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी तो थर्मल एनर्जी ज्यादा है, अगर मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो बॉन्ड भी ब्रेक हो जाए। तो इसमें क्या होगा, F2 में इसमें आपस में लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा है बॉन्ड लेंथ छोटा होने की वजह से। तो इसका रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होने की वजह से रिपल्शन ज्यादा है, और रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है। मॉलिक्यूल में एनर्जी ज्यादा होगी तो उसके बॉन्ड्स क्या होंगे, वीक होंगे। इसलिए ये बॉन्ड वीक होता है इस बॉन्ड से, क्योंकि इसमें रिपल्सिव एनर्जीज बहुत कम होगी रिलेटिव टू दिस। क्यों? क्योंकि यहां पर एटम दूर दूर होंगे। सो यहां पर क्या है, लार्जर मोर डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिस्टेंस, सो लेस रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर, बिटवीन लोन पेयर। यहां लोन पेयर में रिपल्शन नहीं होगा, वहां क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द लोन पेयर इज लेस, तो उनके बीच में रिपल्शन भी ज्यादा होगा। सो द रिपल्शन बिटवीन देम इज हाई, सो रिपल्शन बिटवीन देम इज हाई, तो ये रिपल्शन हाई होगा, राइट। अब ये रिपल्शन और भी होते हैं ग्रुप्स में, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सेप्शन नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि इतने क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वरना पूरा एनआरबी केमिस्ट्री पढ़ा डालो तो, है ना, मतलब एक लिमिट होगा अपने पढ़ने के लिए। लेकिन हैलोजन्स बड़े कॉमन होते हैं, ये जो मैंने छोड़ दिया था ना, ये इसलिए छोड़ा था मैंने कि मैं आपको बॉन्ड एनर्जी बता दूं, बट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ, है ना, Cl2 इज ग्रेटर देन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 इज ग्रेटर देन F2 और ग्रेटर देन। तो आप ये सभी ग्रुप में नहीं बोल सकते, नहीं नहीं हेलोजन, क्योंकि सभी ग्रुप में भाई हेलोजन में थे तीन तीन लोन पेयर ना, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में तो दो लोन पेयर हो जाएंगे, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में तो एक ही लोन पेयर हो जाएगा, तो फिर उनके लिए चेंज हो जाएंगे ऑर्डर्स। तो अपन तो सीधा सीधा कहेंगे हमें हेलोजन के लिए पता है, बाकी अगर पूछेंगे तो देख लेंगे। लेकिन अपन को एक बात पता चल गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मैटर्स, वो काफी मैटर करेगा, वो तो बिल्कुल पहले से पता है, लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस अराउंड द एटम, सो द लोन पेयर रिपल्शन विल बी मोर, तो विल राइट लाइक दैट। समझ में आया? तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, अब अपन को कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अभी 11th क्लास में अपन को ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक्सप्लेन व्हाई The bond energy of fluorine is less than bond energy of chlorine, even though the bond length of fluorine is less as compared to chlorine. Explain करना है तुमको। उस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे तो बताएंगे। ठीक है ना? तो एक bond energy. Otherwise मतलब ये lone pair अगर नहीं है तो बिल्कुल कोई problem नहीं। कोई problem नहीं आएगा बिल्कुल कोई। अगर lone pair नहीं है, right? तो इस टाइप से अपन को थोड़े मतलब, अब मैं कहूंगा कि नहीं अपन सारे एक्सेप्शन याद रख लेते हैं, तो वो थोड़ा एक्सेप्शन अगर बहुत सारे याद रखेंगे तो फिर अपन याद ही रखते रहेंगे कि भाई ठीक है चलो याद ही रखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अपन बता सकते हैं, दैट इज ड्यू टू द रिपल्शन। थोड़ा सा मैंने बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात की, बट रिपल्शन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर अपन से बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो वो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करवाएंगे अपन से, और बॉन्ड एनर्जी अपन से पूछेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके जैसे मैंने आपसे कैलकुलेट करवाया आप बता दो उसमें कि भाई जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आ रहा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा हो, प्रोपोर्शन अपन ने डिस्कस किया, राइट। अब अपन चेक करते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। अब अपन चेक करेंगे थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग क्या होता है वो देखते हैं, बैक बॉन्डिंग के बारे में देखते हैं कि वो बैक बॉन्डिंग किसको कहेंगे। हाँ
अभी मतलब अब इसमें भी अपन काफी सारे एग्जांपल लिख सकते थे, लेकिन फिर अपने पास वही आ जाएगा कि अपन बहुत सारा याद रख, बट याद रखने से अच्छा है कि अगर थोड़ा और केमिस्ट्री पढ़ लेंगे अपन तो बाद में जब आप बताओगे तो उसमें कंसेप्ट भी होंगे, काफी कंसेप्ट होते हैं, लेकिन उन कंसेप्ट को समझना थोड़ा सा भी अपने लिए मुश्किल होगा। तो अपन दूसरा पार्ट करते हैं, बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं और देखते हैं ये बैक बॉन्डिंग क्या होता है। भाई बॉन्डिंग तो सुना है अपन ने, बैक बॉन्डिंग मतलब समझ में नहीं आया भाई बैक बॉन्डिंग क्यों करें और बैक बॉन्डिंग कैसे बढ़ेंगे अपन वो देखते हैं। बैक बॉन्डिंग पता अपन क्या कहते हैं, अपन को इट इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड बिटवीन एटम्स। मतलब वहां पर एक टाइप का ये कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं। चलो देखते हैं कैसे। मेरे पास एक एटम है, दूसरा एटम, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, दोनों ने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया, तो इनके बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अब हुआ क्या कि इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल, और इसके पास एक ऐसा लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है, और अपन सबको पता है इफ द एम्प्टी ऑर्बिटल एंड द लोन पेयर आर इन द सेम प्लेन they will have tendency to mix up. What is so? Mixing of orbital is exothermic. मतलब अगर ये आपस में मिक्स करेंगे तो और orbital अगर same plane में आएगा तो मिक्स करेगा. It is exothermic phenomenon. वो आपने पहले से बता रहा। तो अगर कोई भी atom अपने पास given है और उसके पास एक lone pair है और जो दूसरा atom है अगर उसके पास empty orbital है तो अपन कहेंगे भाई इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है एंड इफ द ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन दे विल हैव टेंडेंसी टू मिक्स अप। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा अच्छा इसमें से एक सेंट्रल एटम हो सकता है, तो वो अब देखो मिक्सिंग के लिए क्या हो सकता है, सेंट्रल एटम पे भी लोन पेयर हो सकता है और अदर एटम पे एम्प्टी ऑर्बिटल हो सकता है। सेंट्रल एटम पे एम्प्टी ऑर्बिटल हो सकता है और अदर एटम पे लोन पेयर हो सकता है, मतलब दोनों में से कहीं भी कुछ भी हो सकता है दो एटम के बीच। अब क्या होगा, अपन कहेंगे भाई सिग्मा बॉन्ड तो पहले से है वहां पर, तो सिग्मा बॉन्ड है। अब अगर एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और एक लोन पेयर है तो अपन क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे इसको इससे डोनेट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे तो सिग्मा बॉन्ड तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो दूसरा बॉन्ड बनेगा किसी भी दो एटम के बीच में वो कौन सा बॉन्ड होता है भाई, अगर पहले से सिग्मा बॉन्ड है और अगर अपन दूसरा बॉन्ड बनाएंगे बिटवीन द टू एटम्स तो वो हमेशा अपन क्या कहेंगे उसको, क्या बना अपने पास, मैंने क्या लिखा ऊपर, मैंने लिखा इट इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब एक के लोन पेयर को दूसरे के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेंगे, यही तो होता है मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, राइट एक के एम्प्टी ऑर्बिटल को दूसरे के, एक के लोन पेयर को दूसरे के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेंगे और वो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, obviously it is a coordinate bond, so it is a type of coordinate pi bond between the atoms, right? तो ठीक है भाई अपन कहेंगे अच्छा बताओ कि अगर मुझे coordinate bond बनाना है, इस type के molecular structure पढ़ने हैं तो किसमें होते हैं इस type के molecular structure, तो mostly जो back bonding होती है ना वो किसी भी atom में हो सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है अपन को कि कौन सा atom present है, वो किसी भी एटम में हो सकता है, राइट? बट मोस्टली क्या होता है कि ये जो बैक बॉन्डिंग होता है ये सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में ज्यादा होता है, इट एग्जिस्ट मोस्टली इन द सेकंड पीरियड, सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो अपन क्या करेंगे, अब देखना आप इसमें क्या होगा, अगर मान लो ये सेंट्रल एटम है, अब अपन इसको इसमें डोनेट कर देते हैं, है ना, अपन इसको इसमें डोनेट करेंगे ना, तो ये क्या बना देगा, पाई बॉन्ड बना देगा,
ये तो पाई बॉन्ड बन जाएगा। और अगर पाई बॉन्ड बनेगा सेंट्रल एटम से, तो मान लो मेरे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, अब उसका अपन इंपॉर्टेंस देख रहे हैं कि भाई पढ़ने की जरूरत क्या है, वो तो मुझे पहले से पता है कि अगर मान लो मेरे पास इधर एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो और वो सेम प्लेन में आ सकते हैं, तो दे विल हैव टेंडेंसी टू मिक्स अप, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, वो पहले से पता है। तो फायदा क्या है इसको पढ़ने से, देखते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास, और यहां पर मेरे पास बी एटम्स ऐसे, और इस बी एटम्स जो है ना, इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, राइट? ठीक है, इस चैप्टर में मेटल्स की बात नहीं करना बिल्कुल भी, मुझसे किसी और ने भी पूछा था, वो बिल्कुल तुरंत चुप हो गया था कि सर एक बात बताओ, ये sp3d और dsp3 में क्या डिफरेंस होता है। मैंने उससे एक ही बात कही थी, भाई सेंट्रल एटम अगर मेटल है तो ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं, और केमिकल बॉन्डिंग में अपन सिर्फ नॉन मेटल पढ़ेंगे, है ना, इसलिए अपन मेटल के बारे में सोचेंगे भी नहीं, ठीक है ना, वो मतलब केमिकल बॉन्डिंग में अपन को क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए अपन को पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, राइट? और वो चैप्टर जिसमें अपन कम से कम एक से डेढ़ महीना उसमें भी पढ़ेंगे, और वो चैप्टर से ऑलमोस्ट 12 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एडवांस, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, तब तो मैं इतना आपको स्लो, आप जितने बार बोलते हो आपको समझ में नहीं आया, मुझे लगता है चपड़ चपड़ा ये समझ में नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परेशान करोगे, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको शुरू करवाऊंगा, लेकिन मैं कैसे शुरू करवाऊंगा मुझे प्लान करने दो, मैं सोच रहा हूँ प्रॉपरली तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करवा देता हूँ, है ना, कुछ कुछ जैसे आईपैक नेमिंग वगैरह अगर स्कूल में हो गया तो मैं शुरू करवाता हूँ किसी से, है ना, और मेरे पास टाइम होगा तो मैं खुद भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि रिपीटर बैच शुरू होगा तो मैं फिर मेरा तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा मुश्किल होगा, तो अपन देखेंगे कैसे पढ़ना है, देखते हैं। अब देखो मैं क्या बात कर रहा था, अगर मान लो मेरे पास ऐसे होता, मेरे पास एक कंपाउंड है, अपन ने लिखा ए है, मेरे पास इधर बी है, इधर मैं बी की जगह कुछ और लिख लेता हूं, इधर डी है और इधर डी है और इधर भी डी है और इधर एक लोन पेयर है इसके पास, अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे एक स्ट्रक्चर ऐसे है लेकिन डी के पास डजंट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, इसके पास डू नॉट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, अब आप देखना, और इधर इसके पास है एम्प्टी ऑर्बिटल, तो अगर इसके पास है तो इसके पास भी होगा, वो सभी के पास होगा, तो अपन क्या करेंगे, ये वाला अगर एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तो ये इसमें ओवरलैप करेगा, बनाएगा क्या, पाई बॉन्ड बनाएगा ना, पाई बॉन्ड, ठीक है, अपन क्या कहेंगे, अगर उसने पाई बॉन्ड बनाया तो देखो, अब ये पाई बॉन्ड अगर बनाएगा तो मैं क्या करूंगा, अब बात आएगी हाइब्रिडाइजेशन, ये बैक बॉन्डिंग पढ़ने का रीजन ही हाइब्रिडाइजेशन में आने वाला है, और बॉन्ड लेंथ होगा क्या, इधर अपन कहेंगे एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, आपका कहते हो इसको भी कैसे सिग्मा, लोन पेयर को कैसे काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड जैसे, मैं इस लोन पेयर को सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट नहीं कर पाऊंगा, व्हाट इज सो, उसमें तो आप पाई बॉन्ड बना रहे हो उससे, और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में होता ही नहीं, भाई हाइब्रिडाइजेशन कैन ओनली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड की तो बात ही नहीं करते अपन हाइब्रिडाइजेशन, अपन कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल एटम के अराउंड, क्या कैलकुलेट कर लो, सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर को सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट करना अगर लोन पेयर है तो, लेकिन अगर वो लोन पेयर कहीं ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहा है तो फिर वो सिग्मा नहीं है, उसको पाई काउंट करो, तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि अगर यहां पर वो लोन पेयर, आपको याद होगा मैं उधर भी लिखना चाहता था हाइब्रिडाइजेशन में, शायद अपन ने लिखा भी था ब्रैकेट में कि अगर वो मिक्सिंग नहीं हो रहा है लोन पेयर का, मैंने आपसे कहा था बाद में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों बोल रहेगा, अपन क्या करेंगे उस लोन पेयर को काउंट अपन तभी कर पाएंगे अगर वो लोन पेयर किसी ऑर्बिटल से मिक्स नहीं हो रहा है तो, क्योंकि अगर वो ऑर्बिटल किसी ऑर्बिटल से मिक्स होगा लोन पेयर तो वहां पर पहले से सिग्मा बॉन्ड होगा और वो जो दूसरा बॉन्ड बना रहा होगा वहां मिक्स होके ऑर्बिटल से वो क्या बन रहा होगा, पाई बॉन्ड, तो फिर मैं उस लोन पेयर को सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट नहीं कर पाऊंगा,
तो फिर इसको काउंट किए बगैर यहां पर तीन ही सिग्मा बॉन्ड बताने पड़ेंगे। तो फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, इसके पास लोन पेयर तो था लेकिन कॉन्जुगेशन में जा मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रहा है, और यहां पर अपन कहेंगे यहां पर कॉन्जुगेशन में नहीं है इसलिए एक लोन पेयर को मैं काउंट कर सकता हूं। आपने कहा था लोन पेयर को आप हमेशा क्या काउंट करोगे, एक सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट करोगे, तो मैंने एक सिग्मा बॉन्ड जैसे उसको काउंट कर लिया। ठीक है भाई, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कहेंगे ठीक है भाई आपने बता दिया, लेकिन अगर सेंट्रल एटम का लोन पेयर, अगर सेंट्रल एटम से लोन पेयर गया, सेंट्रल एटम से लोन पेयर गया तो पाई बॉन्ड जैसे बिहेव करने लगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। लेकिन अगर अदर एटम ने लोन पेयर इसको दिया तो अपन कहेंगे हम तो पहले काउंट नहीं कर रहे थे, अगर अदर एटम का लोन पेयर है तो इसे एम्प्टी ऑर्बिटल था। जैसे मान लो अपने पास ऐसे, मैंने कहा भाई इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास ऐसे बॉन्ड हटाते हैं, एक पी इधर है, एक पी, ये पी अदर एटम हो गए, अब उसको x लिख लेता हूं, x अदर एटम हो गया, x अदर एटम हो गया, इधर भी x अदर एटम हो गया, अदर एटम के पास लोन पेयर है और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, ये तो एम्प्टी ऑर्बिटल को मैं पहले भी काउंट नहीं कर रहा था भाई, सिग्मा बॉन्ड तो अपन इसको काउंट करेंगे, हम तो अदर एटम के लोन पेयर थोड़ी काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन बताने में, हम तो सेंट्रल एटम का लोन पेयर काउंट करते हैं। तो पहले भी नहीं था उसके पास लोन पेयर, आप इसका बॉन्ड बनाओगे तो अभी भी काउंट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि वो तो पाई बॉन्ड बना। मतलब अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन गया तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, लेकिन अगर सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन मिला तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा, बिल्कुल। वो क्यों, क्योंकि हम तो पहले ही उस पाई बॉन्ड को काउंट नहीं कर रहे थे, हम तो सेंट्रल एटम के अराउंड क्या काउंट कर रहे थे, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहे थे, जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा होगा सेंट्रल एटम से वो पाई बॉन्ड बन रहा होगा। तो अगर सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन मिले तो पाई बॉन्ड बनेगा, वो हम पहले भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन गया कॉन्जुगेशन में मिक्सिंग में तो वो क्या बना देगा, सिग्मा बॉन्ड की जगह वो पाई बॉन्ड बन जाएगा, और पाई बॉन्ड बनेगा तो अपन क्या करेंगे उसको सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट नहीं कर पाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसको ए लिखते हैं, इसको बी, इसको ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, और इसको सी लिखते हैं, और लिखते हैं ऐसे बैक बॉन्डिंग टेक प्लेस, ये जो वर्ड्स ये जो लिखा हुआ ना उसके बाद अपन ऐसे बना, बैक बॉन्डिंग टेक प्लेस इफ द सेंट्रल एटम, इफ द सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर एंड अदर एटम हैज एम्प्टी ऑर्बिटल, और वाइस वर्सा, ऐसे लिख लेंगे, और उसके बाद बता देंगे अपन ये दोनों एग्जांपल डाल देंगे, ये अपन उसके एग्जांपल डाल देंगे, ये दोनों अपने पास को एग्जांपल। इसके बाद अब अपन ने कहा बैकबॉन्डिंग से होता क्या है, तो अपन कहेंगे भाई एप्लीकेशन, हम क्यों पढ़े बैकबॉन्डिंग, किस लिए पढ़ रहे हैं अपन, तो एप्लीकेशन में पहले लिखेंगे अपन ये, व्हेन देयर इज नो एम्प्टी ऑर्बिटल ओनली लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, फिर अपन बताएंगे ये कि अगर अदर एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो क्या हो जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था अपने पास sp3, इसके पास लोन पेयर होने के बाद भी ये क्या हो गया sp3, because the lone pair on central atom, central atom behave as pi bonds, तो अगर pi bonded electron जैसे behave करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, अब pi bond को hybridization में involve करते ही, इधर अपन कहेंगे बैकबॉन्डिंग तो है, हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आया,
व्हाट इज सो, हम इन इलेक्ट्रॉन को पहले भी काउंट नहीं कर रहे थे, अब तो सेंट्रल एटम पर जो लोन पेयर होता है उसको काउंट करना होता है। अब ये अपन ने ए बी से सीखा, अब अपन एग्जांपल लेते हैं इसके कि चलो अब एटम्स रियलिटी में बताओ कि एटम्स में होने क्या वाला है। और ये तो आपने एक पॉइंट बताया होगा हाइब्रिडाइजेशन का, कुछ और भी बताओ कैसे बताने हैं। ठीक है चलो देखते हैं, ये लिख लिया आपने तो ही मैं आगे बताऊंगा आपको। सर एक मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी से नहीं हटाऊंगा, मुझे पता है क्योंकि मैंने अभी अभी तो एबीसीडी उसको दिया है, तो अगर पहले भी आपने लिख लिया होगा तो आपको भी वो एबीसीडी एडजस्ट करने होंगे कि ये पहले ये बाद में ये बाद में, उसको एडजस्ट कर लो और उसके हिसाब से लिख लो, कोई बात नहीं बनो। तो मैंने एप्लीकेशन की बात है ना, कैसे अपन बताएंगे। अच्छा अब अपन ऐसे एप्लीकेशन में अपन बताएंगे, देखो एग्जांपल लेते हैं पहले तो ना, सपोज ऐसे अगर होगा तो अपन देखते हैं कैसे अपन एग्जांपल बताएं। अब जैसे होता क्या है, मैंने आपसे कहा था कि भाई पहले पर लिख लेते हैं भाई पीरियड टू के एलिमेंट्स आपको पता है, तो मोस्टली जो एलिमेंट बनाएंगे ना बैक बॉन्डिंग वो उसमें अपन क्या करेंगे, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और पीरियड थ्री में क्या होता है, मेटल्स की तो बात ही नहीं करनी अपन को, और नोबल गैसेस बनाएंगे नहीं, कुछ बोरॉन भूल गया, अपन बोरॉन को भी लिख, एल्यूमिनियम सिलिकॉन और नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ऐसे लिख लेते। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इनके पास डो नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल, लेकिन इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल, इनके पास डी ऑर्बिटल खाली पड़े होता है, व्हाई इट इज सो, बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना आप तो एनएस टू थ्री एस टू पी वन, ये बाकी मैं नहीं लिख रहा, बाकी अपन को पता है, ये आप P2 लिखोगे या आप P3 लिखोगे, इसको आप P4 लिखोगे, इसको आप P5 लिखोगे, लाइक दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर। तो P5 के बाद P6, उसके बाद मतलब अगर आपने थर्ड शेल लिखा है तो थर्ड शेल में डी ऑर्बिटल भी होगा, खाली पड़ा होगा, लेकिन इसमें थर्ड शेल होते हैं। तो पहले तो अपन ये देखते हैं कि भाई एप्लीकेशन में कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, तो चलो देखते हैं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पहले इन BF3 molecule, BCl3 molecule, BR3 molecule and Bi3 molecule. ये molecules मेरे पास के बने। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप तुरंत बता दोगे भाई ये sp2 hybridized है। कैसे? आप कहोगे बोरॉन है, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन फ्लोरीन है, भाई ये लिख दिया मैंने फ्लोरीन, और यहाँ पर क्या होने वाला है, तीन सिग्मा बॉन्ड हो गए, sp2 hybridized हो गए, फेल। हाइब्रिडाइजेशन तो तुरंत बता देंगे, मॉलिक्यूल को देखते ही बता सकते। अब अपन देखते हैं इसमें कि और क्या कर सकते हैं। तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर मेरे पास BF3 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हम सबको पता है कि अगर मैं बोरोन लिखूंगा तो बोरोन में एक ये 2s2p1 दो p ऑर्बिटल खाली पड़े थे, तो बोरोन, अब इतना आपको खुद सोचना पड़ेगा,
मैं आपको मतलब अब उतना अगर अपन फिर से पढ़ेंगे ना तो वही फिर अपन को टाइम ज्यादा लगेगा, फिर मैं थोड़ा सा रश करना शुरू कर देता हूँ, फिर आप कहते हो रश किया सर नेक्स्ट टाइम फिर वही बताओ, तो सब गड़बड़ हो जाता है मेरे लिए। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे सब बताया तो है आपने, BF3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है, ये 2s2 है और इधर p1 है, लिख दिया। BF3 है तो बोरोन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 का मतलब हो गया इसको हटा के आप यहां लिख लोगे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे जो आपने बना दिए, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, 1s और 2p को मिक्स करोगे और बोरोन में एक खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है जो आप ऐसे बनाओ एम्प्टी एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट, उसी फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये मैंने 1 लिखना शुरू कर दिया, पर एग्जांपल्स में एप्लीकेशन में एग्जांपल्स में 1, 2, 3, 4 लिखते रहेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई इसके पास एमडी ऑर्बिटल है मुझे ये पता है और इसके पास लोन पेयर होता है, तो अपन कहेंगे यहां पर मिक्सिंग होगा ऑर्बिटल का, और ये मिक्स करे वो कर सकता है, ये भी मिक्स कर सकता है, ये भी मिक्स कर सकता है, तो अपन कहेंगे अच्छा तीनों में से कोई भी मिक्स कर सकता है, हाँ कोई भी मिक्स कर सकता है क्योंकि तीनों की एक प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। अच्छा ठीक है भाई, तो अपन कहेंगे ये इसमें ओवरलैपिंग कर सकता है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में नो चेंज, अपन कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन में नो चेंज, व्हाइट इज सो, अपन तो पहले भी इसका लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में नहीं काउंट कर रहे थे, 3 सिग्मा बॉन्ड पहले भी थे, 3 सिग्मा बॉन्ड अभी भी, नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, तो चेंज किस में हुआ, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई। अब होता क्या है कि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, इसलिए बोरोन को इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो फ्लोरीन से ज्यादा लेगा इलेक्ट्रॉन की, यार इसको लेके ना अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे बन जाएगा इधर, तो अपन क्या करेंगे बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अच्छा तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि BF3 इज अ लुईस एसिड इफ द सेंट्रल एटम, इफ द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम is incomplete, then it will act as Lewis acid. तो मैं कहूंगा ठीक है ये तो सारे के सारे Lewis acid हुए, फिर किसी का भी octet complete नहीं, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो ये सारे के सारे Lewis acid हैं, हाँ तो है। लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनर भी सेंट्रल एटम से होना चाहिए, तो अपन उन्हें लुईस बेस बोलते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे अपन फ्लोरीन इज अ लुईस बेस और बोरोन इज अ लुईस एसिड, अब उधर क्यों बोले एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम से बोलना होता, सेंट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता किसी दूसरे एटम को तो अपन कहेंगे कि भाई वो मॉलिक्यूल क्या हो गया लुईस बेस। तो एक तो अपन को ये पता चल गया कि ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, एक एप्लीकेशन बता दिया अपन ने, जबकि वहां पर बैकबॉन्डिंग है। दूसरा अपन इसमें लिख सकते हैं एसिडिक स्ट्रक्चर, चलो देखते हैं, अगर मैं बोरिन बोरोन और क्लोरीन को लिखूं और बोरोन और फ्लोरीन और बोरोन और क्लोरीन के इसमें ना एम्प्टी ऑर्बिटल इसको ओवरलैपिंग के लिए लिखो, सपोज करते हैं ये ओवरलैपिंग है और ये भी ओवरलैपिंग होगा लोन पेयर, तो बताओ ये वाला ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, ये ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, तो अपन कहेंगे जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पास पास होते हैं, इसका 2p एम्प्टी ऑर्बिटल है सेकेंड शेल का, और इसका भी जो p ऑर्बिटल होगा ना वो 2p होगा, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज लेस, यहां पर इसका 2p ऑर्बिटल होगा और यहां पर इसका 3p ऑर्बिटल होगा,
तो इसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पास है। अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पास होगा तो इन दोनों में जो ओवरलैपिंग होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, मतलब फ्लोरीन ज्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, बिकॉज ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होता है बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये पढ़ा हुआ है अपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, पोस्टुलेट में लिखा हुआ है कि अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोन पेयर बोरोन को फ्लोरीन ज्यादा देगा एज कंपेयर टू क्लोरीन के। अगर फ्लोरीन बोरोन को इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा एज कंपेयर टू क्लोरीन के, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा एज कंपेयर टू क्लोरीन के, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर बोरोन विल फील कि उसका ऑक्टेट ज्यादा अच्छे से कंप्लीट है क्लोरीन के कंपैरिजन में। भाई फ्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ऑर्बिटल फ्री इलेक्ट्रॉन देना है, अपन ऐसे नहीं कहेंगे वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो क्यों इलेक्ट्रॉन दे, बिल्कुल दिमाग में नहीं आएगा। Whenever the orbitals are on the same plane, they have tendency to mix up. हमने orbital mixing की, हमने किसी को electron नहीं दिया. They are on the same plane, they will mix up. जितना ज़्यादा पास होंगे, उतना अच्छा overlapping होगा. जितना ज़्यादा दूर होंगे, उतना कम overlapping होगा. तो अपन कहेंगे यहाँ पर अगर ये इसको ज़्यादा electron देगा, तो फिर इसका Lewis BS3 का Lewis acidic character क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. वो क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो BF3 का लुईस एसिड कैरेक्टर कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि लुईस एसिड्स वो होंगे, मैंने आपसे कहा सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए और वो दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेगा, अंदर ही नहीं दूसरे मॉलिक्यूल से। अभी जैसे मैंने आपको कहा था लुईस बेस वो होगा जिसमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो और फिर वो दूसरे एटम को दे, तो लुईस बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर, वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा देगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो अपन क्या कहेंगे, अगर बोरोन को किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना है, फ्लोरीन से नहीं, वो तो विद इन द मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन से नहीं, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना है, तो बोरोन को क्या लगना चाहिए कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और अगर फ्लोरीन बोरोन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो बोरोन क्या फील करेगा, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट? तो अगर बोरोन ऑक्टेट कंप्लीट होगा, बोरोन का इट विल फील कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो क्या हो जाएगा, अपन कहेंगे ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बोरोन क्या फील कर रहा होगा कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ज्यादा फील कर रहा होगा क्योंकि यहां ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग है इसके कंपैरिजन में, और अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा फ्लोरिन की वजह से तो यह दूसरे से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। फिर तो BCl3 ज्यादा एसिडिक होगा इससे, उससे ज्यादा BBr3 होगा, क्योंकि BBr3 में तो फिर Br3 में तो ये 3p और 2p, ये 2p और ये तो 4p का ओवरलैपिंग हो गया, ये तो और भी ज्यादा दूर हो गया, इसका लोन पेयर तो और भी ज्यादा पास नहीं आ पाएगा, तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगा। राइट, अब आप इसको बोर्ड्स में लिखो, पहले लुईस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ BF3 इज लेस, उसको बोर्ड्स में लिखो, Lewis acidic character of BF3 is less than BCl3 because Lewis acidic character of BF3 is less than BCl3 because due to back bonding the overlapping of 2p 2p orbital is because due to back bonding the overlapping of 2p 2p orbitals is more effective than is more effective than 2p3p
is more effective than 2P3P. 2P3P. Thus, the electron density on boron in BF3 is donated more. BF3 is donated more on boron by fluorine. वो 10 के आगे आपने क्या बोला? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब सेंटेंस ना मैं भूल गया, मतलब अपना काम, मतलब उसको देख के मैंने बोल दिया, दस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बोरॉन विल बी मोर डोनेटेड बाय फ्लोरीन. ठीक है, क्लोरीन में कम डोनेट करेगा तो बोरॉन थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, ब्रोमीन में तो और भी कम डोनेट करेगा तो और भी, फिर तो इधर और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा. तो एसिडिक स्ट्रेंथ BF3 का कम होगा BCl3 से, कम होगा BR3 से, कम होगा Bi3 से, ये एसिडिक स्ट्रेंथ होगा. तो बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है, 2P2P ओवरलैपिंग जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसलिए अपन उसे बॉन्ड लेंथ अपन कहेंगे. बॉन्ड लेंथ इसमें छोटा होने की वजह से ये ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, और ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा तो बोरोन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा कम होगा, और ज्यादा कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि लुईस एसिड तो वो होगा जो दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेगा. राइट ना, सो ये लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ है. राइट, अब अपन देखते हैं यहां पर और क्या कर सकते हैं, मतलब इससे और क्या बोल सकते हैं अपन, वो देखते हैं. ये एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल से अपन काफी सारे मॉलिक्यूल के कंसेप्ट बना लेंगे. राइट, कि अच्छा हाइब्रिडाइजेशन में इधर तो चेंज नहीं होगा क्योंकि सेंट्रल एटम से कोई चेंज नहीं हो रहा, ये तो पाई बॉन्ड है ना, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जैसे बेव करेगा तो वो तो पहले काउंट नहीं कर रहे थे अपन. अब दूसरा, ड्यू टू बैक बॉन्ड देयर इज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन अमंग बी एंड एफ हेलोजन. ठीक है ना, अपन ने क्या कहा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगा बोरॉन एंड हेलोजन के बीच में. ठीक है, अब अगर जरूरत पड़ेगा ना तो मैं थोड़ा सा लुईस एसिड और लुईस बेस वाला पार्ट आपको पढ़ाऊंगा, डिफरेंस जैसे बताऊंगा. अभी अपन इसको रहने देते हैं. अभी अपन को यह पता है कि अगर कोई सेंट्रल एटम किसी दूसरे मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन देगा तो लुईस बेस है, और किसी दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेगा तो लुईस एसिड होगा. तो यहां तो विद इन द मॉलिक्यूल ही उसको इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है ज्यादा, तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों रहे. अब अपन यहां चेक कर रहे थे, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. तो मैं क्या करूंगा, अच्छा तो फिर ये तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है, और आपने कहा था मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज अ रेजोनेंस फेनोमेना, फिर तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ आप. इसका स्ट्रक्चर तो फिर आप ऐसे बनाओगे क्योंकि वो तो रेजोनेंस फेनोमेना होता है, तो आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे बताओगे क्या, क्योंकि फिर तो आपको इसका स्ट्रक्चर ऐसे बताना चाहिए भाई. अब वेजडेस फॉर्म ही है वो वैसे, तो अपन कहेंगे यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से आप पाई बॉन्ड जैसे बना रहे हो ना, तो फिर तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका. रियलिटी में देखा जाए तो स्ट्रक्चर यही होना चाहिए, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव. क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज लिखते हो आप. अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर मैं चाहूं तो फॉर्मल चार्जेस में लिख सकता हूँ ना, फॉर्मल चार्जेस लिखूंगा तो टेल पे पॉजिटिव चार्ज लिखना होता है और हेड पे नेगेटिव चार्ज लिखना होता है. तो अपन कहेंगे ठीक है, हमें यह पता है कि अगर इसका ओवरलैपिंग हो सकता है तो इसका भी हो सकता है,
इसका भी इस एम्प्टी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो सकता है क्योंकि सभी के पास एक एक लोन पेयर, तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग शो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और उसका स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई अगर मेरे पास ऐसे है द बी एफ बॉन्ड लेंथ इन, मैं क्या करूंगा ऐसे पूछूंगा तो बता दूंगा ऐसे होगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो अपन कहेंगे ऐसे क्यों होगा, तो भाई आप देख लो ना आपने बी एफ फोर नेगेटिव लिखा, इसका मतलब एक दो तीन और एक नेगेटिव चार्ज के लिए, क्योंकि ऑक्टेट थोड़ी एक्सपेंड हो रहा, तो लिख लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज वाला है। कितने बॉन्ड है फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने है चार, दे दो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी को, एक नेगेटिव चार्ज ना, तो अपन को ऐसे बनाना होगा इस पे नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज अपन यहां भी लिख सकते थे बोरोन पे एक नेगेटिव चार्ज, यहां तो प्योर सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे। अब इसमें कोई एम्प्टी ऑर्बिटल थोड़ी है, जो एम्प्टी ऑर्बिटल था उसमें आपने एक एफ नेगेटिव ऐड कर लिया होगा, बी एफ थ्री रहा होगा, ये लुईस एसिड था, ऑल एनाइंस जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसने इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, तो बी एफ फोर नेगेटिव बन गया होगा। अब बी एफ फोर नेगेटिव बना तो यहां तो सबके सब क्या हो गए, सिंगल बॉन्ड हो गए, और इसमें क्या है, इसमें तो BF3 में सिंगल बॉन्ड थोड़ी थे सारे के सारे, वहां तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल था और इसके पास लोन पेयर, तो कौन सा बॉन्ड उसमें आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो इधर तो पार्शियल डबल बॉन्ड है और इधर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो अपन से क्या पूछ सकते हैं, अपन से इन दोनों में बॉन्ड लेंथ पूछ सकते हैं, अपन से उन दोनों में बॉन्ड एनर्जी पूछ सकते हैं, अपन से उन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, इसका 1 से ज्यादा होगा, क्यों पार्शियल डबल बॉन्ड बनाया ना, बता सकते हैं। तो बैक बॉन्डिंग से इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं, बैक बॉन्डिंग से इस टाइप के क्वेश्चन अपन से फ्रेम हो जाते हैं। बताएंगे भाई बैक बॉन्डिंग से चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, अगर यही बैक बॉन्डिंग यहां से एरो उधर बन रहा होता है एम्प्टी ऑर्बिटल में, तो अपन हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर देते हैं, मैंने बताया आपको पहले। अगर सेंट्रल एटम का लोन पेयर अगर मिक्स होगा एम्प्टी ऑर्बिटल से, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होता है और वो मिक्स करता है, तो अपन को पता है क्या, राइट, ठीक है। अब अपन देखते हैं दूसरा, एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरे एग्जांपल का लिखते हैं ऐसे, मेरे पास एक गिवन है NH3 ऐसे, एंड और एक गिवन है मेरे पास ऐसे, मैंने अमोनिया का स्ट्रक्चर लिखा। अब मैं इसको बता देता हूं भाई, और अपन देखते हैं अमोनिया का स्ट्रक्चर लिखा है। अमोनिया का स्ट्रक्चर लिखा, एक लोन पेयर होगा और तीन हाइड्रोजन होंगे। अब तुम भी बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे, मैंने खुद ही बना दिया ट्रायंगुलर पर। ठीक है भाई, उसमें क्या मतलब, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, अपन को पता है ऐसे बनाए थे आपने पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक तीन हाइड्रोजन हो गए, तीन हाइड्रोजन लिखा, एक लोन पेयर लिखा, एसपी थ्री आ गया, आपने टेट्राहेड्रल बनाया, टेट्राहेड्रल बनाया, तीन हाइड्रोजन थे, एक लोन पेयर बच गया, तो आपने बता दिया ये बन गया अपने पास ट्राइगोनल पिरामिड, पिरामिडल शेप आ गया बस, ठीक है भाई। अब हाइड्रोजन के पास ना तो लोन पेयर होता है ना एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, मुझे कुछ सोचना है इसकी बात करते हैं। अब इसमें क्या लिखा आपने, होल थ्राइज लिखा ना, तो पहले मैं ये चेक कर लेता हूं लोन पेयर है, ये तीन बॉन्ड ऐसे हो गया, मैंने सिलिकॉन को चेक कर लेता हूं पहले, सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो तीन तो बॉन्डेड हो गए हाइड्रोजन से,
और एक बॉन्डिंग कर देता हूं इसके साथ, मतलब आप ऐसे बनाने वाले हो, इधर इसके पास नाइट्रोजन है, अपने पास नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने लिख लिए, और कितने हो गए, इसका एक जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, बाकी तीन तो आपने, क्योंकि सिलिकॉन तो कार्बन वाले ग्रुप में, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके, तो अपन कहेंगे एक सिलिकॉन और उसके तीन बॉन्ड ऐसे, एक और सिलिकॉन उसके भी तीन बॉन्ड ऐसे, एक सिलिकॉन उसके भी तीन बॉन्ड ऐसे। कई बार तो बस ऐसे पूछ लेंगे, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, देयर साइलेंस, मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं नाम उसको, साइलेंस अपन ऐसे लिख सकते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं, आपने ऐसे तो कई बार अपन से पूछते हैं हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस, तीन यहाँ बाकी तीन से 12 हो गए, काउंट करके बता देंगे सिंगल बॉन्ड, सभी सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं अपन को। अब होगा क्या, अपन कहेंगे भाई इसका स्ट्रक्चर तो ऐसे बना दूंगा मैं, लोन पेयर है, एक दो और तीन बन गया, SI H3 SI H3 और SI H3 क्या प्रॉब्लम है, ये बन गया। अब होगा क्या, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो अपन कहेंगे भाई 3s2p2 होता है, सिलिकॉन चार बॉन्ड बना रहा है तो ऐसे बना देता हूं, ये 3s2 है, ये p2, चार बॉन्ड बनाएगा, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक नाइट्रोजन के साथ बना दिया, तीन नाइट्रोजन के साथ बना दिया, sp3 हो गया, बिल्कुल sp3 है, इसके अराउंड चार सिग्मा बॉन्ड है, सिलिकॉन इज sp3 इन दिस, बना दिया अपने। लेकिन इसमें ना डी ऑर्बिटल खाली पड़े, अगर डी ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा ना, तो इसमें मैं क्या करूंगा, जो एमटी डी ऑर्बिटल है ना, इसका डी ऑर्बिटल, तो ये एमटी डी ऑर्बिटल और उसका पी ऑर्बिटल, दैट विल शो बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग, ये P ऑर्बिटल इसके D ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग शो करेगा, और अगर बैक बॉन्डिंग होगा, इसके पास भी MTD ऑर्बिटल है, इसके पास भी MTD ऑर्बिटल है, तो हमें ये, और MTD ऑर्बिटल कब, ऑब्वियस सी बात है, मैंने थर्ड पीरियड इसलिए लिया हुआ था क्योंकि MTD ऑर्बिटल थर्ड पीरियड में सभी में होता है, आप चाहे सिलिकॉन लिखो या फास्फोरस लिखो, फास्फोरस होगा तो यहाँ एक और लिख लोगे आप, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2p2 था, p3 हो जाएगा, तो सभी में d ऑर्बिटल होता है थर्ड पीरियड में, तो अपन क्या करेंगे, mtp ऑर्बिटल है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, SiH3 और SiH3, इधर भी बॉन्ड बनेगा इसका, इधर भी बॉन्ड बनेगा ये मिक्सिंग से, क्योंकि ये मिक्सिंग होगा तो डबल बॉन्ड बनाऊंगा, इधर भी बनाऊंगा। अगर ये मिक्सिंग नहीं होता जैसे इसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता, sp3, और अगर ये मिक्सिंग होगा तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड, तो फिर लोन पेयर को मैं काउंट नहीं कर सकता, फिर मैं लोन पेयर को काउंट नहीं कर सकता, फिर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब अपन कहेंगे कि यार ठीक है, ये तो मतलब एक वो हो गया कि मुझे पता होना चाहिए पहले से, मैं देख के नहीं बता सकता मॉलिक्यूल को, अगर देख के बता देता तो मतलब मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाता, तो पहले तो मैं कहूंगा कि अपन को ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, और अदर एटम थर्ड पीरियड का अगर एलिमेंट है तो आप ध्यान रखो, इसलिए मैंने पहले लिखा था सेकेंड और थर्ड पीरियड, इट अकर्स बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, it occurs between second and third period.
ठीक है। अब अपन को ये लगेगा कि सर एक बात बताओ, इधर एमटी डी ऑर्बिटल है मान लिया, इसका तो ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है फिर भी मिक्सिंग कर रहे हो। मैंने कब कहा कि आपको ऑक्टेट रूल फॉलो कर, भाई डी ऑर्बिटल था इलेक्ट्रॉन ले लिया, मैंने कभी आपको ऐसे बताया क्या कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन इनमें कभी ऑक्टेट एक्सपेंड किया क्या जैसे आप सल्फर में कर देते हो? कितने बॉन्ड बना दिए, चार और दो छह, 12 इलेक्ट्रॉन कर दिए। क्यों बनाऊं ये बॉन्ड इतने सारे, क्यों? क्योंकि उसके पास एमटी डी ऑर्बिटल है और आप बताते हो ना उसको एक एस टाइप का तीन पी टाइप के एसपी थ्री हो गया ना। अब उसके ऑर्बिटल खत्म हो गए पाई बॉन्ड बनाने के लिए, अब पाई बॉन्ड बनेगा तो क्या, इसका पी पाई और इसका डी पाई, इसका पी पाई और इसका डी पाई, आप बोलते हो ना, अब तो डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल बोलते हो ना, ओवरलैप करता है। लेकिन मैंने कभी इन एटम में नहीं बताया ना ऐसे कि पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा, इन एटम में तो हमेशा मैंने यही बताया ना कि वो कभी डी बनाते ही नहीं, क्यों होता ही नहीं डी ऑर्बिटल, तो बनाएंगे कहां से? डी ऑर्बिटल किसमें होता है, थर्ड पीरियड में। तभी तो आपको बोल रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो बना हुआ है, हम कैसे जाने कि वही, हमको नहीं पता, याद नहीं रहता हमको इतना, नहीं तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होगा और अदर एटम अगर थर्ड पीरियड से है तो आपको याद होना चाहिए, दैट इज अवर जॉब, मतलब आपको याद होना चाहिए, वो आपको याद करना पड़ेगा, राइट? तो जब वो एटम्स जो थर्ड पीरियड से है उनमें एक्सपेंशन होता है, अपन ने पीसीएल 5 लिखा, अपने कभी नहीं कहा कि इसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है, हो सकता है, क्यों? प्लस 5 है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेके जाओ ना पांच अनपेड बनाने के लिए, एक एस में होगा, तीन पी में होंगे और एक डी में होगा, एक्सपेंड किया कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? तो इस टाइप से अपन बता सकते हैं कि भाई बैक बॉन्डिंग में क्या होता है और बैक बॉन्डिंग में अपन कैसे बताएंगे। अब थोड़ा सा क्या होगा, वैसे ये वाला पार्ट जो अपन पढ़ रहे हैं ना बैक बॉन्डिंग वाला, ये बहुत सारा पार्ट ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ना, वहां पर एक पढ़ाने का एक सीक्वेंस होता है, लेकिन अपन ये नहीं सोचेंगे कि नहीं वो अच्छा वो सीक्वेंस हमें नहीं पता, ऐसा नहीं है कुछ भी, मैंने आपको ऑर्बिटल बताया और एक सेंटेंस दिमाग में हमेशा है अपने, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहां क्या चल रहा है, whenever the orbitals are in the same plane they will have tendency to mix up, mixing of orbital is exothermic, उसमें कोई एनर्जी नहीं देनी होती है, लिबरेट होती है मॉलिक्यूल से एनर्जी, तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है उसमें, इसके बारे में हमेशा ध्यान रखें, ठीक है? अच्छा ठीक है, अब मैं और एग्जांपल लेने से पहले ना एक छोटा सा पार्ट अपन डिस्कस करेंगे, और एग्जांपल भी ले लूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक छोटा सा पार्ट और डिस्कस कर लेता हूं ताकि मैं उस वर्ड को भी यूज करता रहूं जो अपन को जरूरत पड़ रहा है। एक अपन लुईस एसिड लिख लेते हैं और एक अपन लुईस बेस लिख लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है। सो लुईस एसिड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम इज एटम इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब मैं इसमें पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, इसमें थोड़ा सा, सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डोनर,